दोस्तों आज हमारे पास है रिसेंट लॉन्च हुई हीरो की करिश्मा एक्समार। आज हम जानने वाले इसका फाइनेंस डिटेल, कम से कम कितना डाउन पेमेंट अगर आप देते हो तो आपको ये बाइक फाइनेंस कर दी जाएगी, एंड मंथली ईएमआई कितना आएगा, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला। उससे पहले आप देख लो दोस्तों, हमारे पास सारे कलर हैं दोस्तों। पहले आपको रेड देखने को मिल जाएगा, एंड येलो वाला भी मिलने वाला है, एंड अपना ग्रे वाला मिल जाएगा जो कि मैट फिनिश के साथ में रहने वाला है। तो सारे कलर आप लोगों ने देख लिया। अभी फिलहाल हम फाइनेंसर को बुला लेते हैं। सर आप आ जाइए और हमारे फाइनेंसर से पहले आप मिल लो। ये सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और पूरी पर्सनालिटी भी उनसे मैच होती है, आप देख सकते हो भाई। तो सबसे पहले आप अपना गुड नेम बता दो सर। मेरा नाम है नवीन सिंह, आईसीसी बैंक से हूँ। ओके, आईसीसी बैंक से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई फाइनेंस कराने के लिए आए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है। पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, ओके। बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ का चाहिए रहेगा? बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब पासबुक का फ्रंट पेज रहेगा तो भी चलेगा। स्टेटमेंट ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि 2-3 महीने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं, अगर कोई यहाँ पे मुंबई में रेंट पे रह रहा है, उनके नाम पे घर है, उनके लिए क्या ऑप्शन रहने वाला है? रेंट एग्रीमेंट में भी ऑप्शन है, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगेगा, नोटरी पे तो नहीं हो पाएगा। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में हो जाएगा लोन। अच्छा, नोटरी पे नहीं होने वाला? नोटरी पे नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है। और ये बता दो कितने टाइम में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सर विदिन 10-15 मिनट्स में अप्रूवल होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। ओके ओके, 10-15 मिनट में हो जाएगा। एंड जैसे अप्रूवल हो गया एंड पेमेंट उन्होंने दे दिया आपको, थोड़ा डाउन पेमेंट, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? विद इन 2 डेज सर डिसबर्समेंट डीलर्स को मिल जाएगा। ओके ओके, और बाइक डिलीवरी हो जाएगी लमसम? नंबर प्लेट गया तो पकड़ो ना। ओके, वन वीक के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, नंबर प्लेट गया डिलीवरी मिल जाएगी। ओके, तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, इसकी प्राइस कितनी पड़ने वाली है? 15,000 इसकी प्राइस, 15,000 विद एक्सेसरीज, विद एक्सेसरीज। ओके, तो ये ऑन रोड प्राइस रहने वाली है। तो हम इसी प्राइस पे कैलकुलेट करने वाले हैं मंथली ईएमआई, डाउन पेमेंट। तो कम से कम कितना कितने डाउन पेमेंट में आप ये बाइक फाइनेंस कर सकते हो? डाउन पेमेंट स्टार्टिंग रहेगा इसका 40,000 पे। 40,000 पे? ओके, 40,000 रुपये। तो ये 1 ईयर के लिए मंथली ईएमआई कितनी आएगी? 40,000 आप डाउन पेमेंट करते हो 1 ईयर के लिए सर 16,150 आएगा, 16,000 के आसपास। एंड 2 ईयर के लिए? एंड 2 ईयर्स के लिए आएगा 8,820, 8,000 के आसपास जी। और 3 ईयर्स के लिए आएगा 6,400, 6,400, 40,000 डाउन पेमेंट। मतलब सिर्फ 1-3 ईयर का ऑप्शन है, राइट? 1-3 ईयर। अच्छा, जैसे कोई 4 ईयर 5 ईयर का लेना चाहे तो? मैक्स टू मैक्स इसमें सर 4 ईयर तक भी हो जाएगा, बट उसके लिए 4 ईयर का भी ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन फिलहाल हम 3 ईयर का बताने वाले हैं। तो और थोड़ा डाउन पेमेंट हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, अभी हम चलते हैं अभी 60,000 के हिसाब से डाउन पेमेंट अगर 1 ईयर का लेते तो सर 14,810, 14,800 के आसपास, 14,000 के लिए, 2 साल के लिए 8,000 के आसपास, एंड 3 साल के लिए 5,890, 5,000 के आसपास मिलने वाला 3 साल का। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने नहीं बताया, फर्स्ट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट सर करिश्मा के लिए आपको 9.99 मिल जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाले जो बताया 40,000 पे भी, 40,000 सब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, फ्लैट रहेगा 9.99। अच्छा, 9.9 ही रहने वाला है सब पे रहने वाला है। और 60,000 में एक स्कीम है, 60,000 अगर कस्टमर स्कीम करता है, 740 सिबिल है कस्टमर का, और वो 740 सिबिल स्कोर है। ओके, सिबिल स्कोर रहेगा तो वो एलिजिबल रहेंगे, तो नो एचपी। अच्छा, ओके, परफेक्ट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कोई बताता नहीं है, हमारे फाइनेंसर बता रहे हैं। अगर आपका जो सिविल स्कोर है 740 रहने वाला तो आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपको आरसी मिलेगी उस पर बैंक का नाम नहीं रहने वाला, आपका नाम रहेगा। नहीं, लास्ट में क्या होता है, हमें मतलब वो बैंक का नाम हटाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं और हमें वेट करना पड़ता है कब हमारा जो है लोन कम्प्लीट हो। तो ऐसा आपके नाम पर पूरी बाइक रहने वाली है, वैसे भी आपके नाम पर रहेगी लेकिन बैंक का नाम लिखा रहता है, तो थोड़ा कहीं दिखाने में थोड़ा आपको मतलब सोचना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं 80,000 पे आपको सर 1 ईयर के लिए आएगा 12,980, 12,000 के आसपास, और 2 ईयर्स के लिए आएगा सर 7,100, 7,000 के आसपास जी, और 3 ईयर्स के लिए 5,100, 5,000 के आसपास आने वाला है। और इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सही रहेगा? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्लैट सब में एक ही। ओके, और अभी हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1 लाख पे, 1 लाख, 1 लाख पे आएगा सर 11,210 1 ईयर के लिए जी, 1 ईयर के लिए, और 2 ईयर्स के लिए आएगा 6,125। ओके, एंड 3 ईयर्स के लिए 4,470। ओके, 4,470 मतलब 4,000 के आसपास आने वाला है आपका। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 9.99। ये जो आपने आई थिंक 40,000 के बाद वाला बताया, मतलब 60,000 थे, 60,000 के बाद जो भी स्कीम आप डाउन पेमेंट करते हो 740 सिबिल रहेगा, नो एचपी स्कीम एप्लीकेबल रहेगा। ओके, उस पे नो एचपी स्कीम रहेगा और साथ में आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, दो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये रहा मतलब डाउन पेमेंट। मेरे हिसाब से अगर आप 1 लाख के ऊपर अगर आप पैसे देना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कैश ले लेना, क्योंकि काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। वैसे 1 लाख भी डाउन पेमेंट देना मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं रिकमेंड
करूंगा, आप अपने हिसाब से रिकमेंड करो कितना डाउन पेमेंट कम से कम, मतलब कितना डाउन पेमेंट एक बेस्ट डाउन पेमेंट होगी इस बाइक के लिए? बेस्ट डाउन पेमेंट तो सर 60,000 के ऊपर जो भी करो। हाँ, अगर सिविल स्कोर अच्छा रहा तो 9 HP मिलने के चांसेस है। परफेक्ट, बेस्ट डाउन पेमेंट मेरे हिसाब से 60-70 या फिर 80 के अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप देते हो लाइक 1-1.5 लाख तो मतलब कुछ मतलब नहीं है, मैं बोलूँगा कैश आप ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये रही इन्फॉर्मेशन डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। अभी हम थोड़ी सी टिप्स ले लेते हैं हमारे सर से, अगर कोई फाइनेंस लेना चाहे मतलब लोन कराना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखें पहले से? सर लोन लेने के लिए पहले जैसे कि कोई छोटा मोटा लोन ले रहे हो, कंज्यूमर लोन हो गया, तो प्रॉपर टाइम टू टाइम भरें जिससे सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, तो क्या इन फ्यूचर कोई भी लोन लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। परफेक्ट, अगर आपको मतलब कोई भी लोन लेना है तो आपको सिविल स्कोर मेंटेन करना है, मतलब टाइम टू टाइम आपका EMI पे करना है। अगर बाय चांस कभी आपका जो है कुछ आपने लोन लिया मतलब बाउंस हो गया एंड आपको सेटलमेंट का ऑफर है तो आप सेटलमेंट भी मत करना, उससे बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो भले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े लेकिन आप वो देके वो क्लियर करो, इन बातों का आप ध्यान रखो। और साथ में जो बैंक ट्रांजेक्शन मतलब मंथली ऐसा कुछ इससे भी फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं, अगर मिनिमम डाउन पेमेंट चाहिए 100% फंडिंग चाहिए। ओके, उसके लिए सैलरी क्रेडिट अगर बैंकिंग देते तो 100% एलिजिबल रहेगा लोन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने जानी ये जानकारी आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।